जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को बर्नौली थ्योरम समझा दिया था, अच्छा सुनिए, आर्कमिडी प्रिंसिपल समझा दिया था, जिसमें मैंने आपको बायोसी फोर्स समझा दिया था। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए, कल हम लोगों ने बायोसी फोर्स समझ लिया था, इससे आगे की बात करते हैं आराम से। आप जितने दरवाजे को बंद करते हैं, देखिए तो सब लोग पहले ईमानदारी से बैठ जाइए। और कल हम लोगों ने पढ़ा था बायोसी फोर्स, याद है कल का कुछ? हालांकि कल तो बहुत लोग छुट्टी पे थे, उन्होंने बहुत पहले शपथ ली थी हम नहीं आते हैं संडे को, हमारा संडे का फंडे होता है, हॉलीडे हमारा। अब जो आगे की बातें बताई जाएंगी, जो संडे को अपना छुट्टियां मना रहे थे, तो आइए सबसे पहले लिखिएगा, हेडलाइन दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। देखिए, और शांत रहिए, समझदारी से शांत रहिए, और समझदारी से। हाँ, देखिएगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन में क्या है, आपसे अगर कहा जाता है कि कोई बॉडी, ध्यान दीजिए, फ्लोटेशन का मतलब होता है फ्लोट करना। अगर आप देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो लिक्विड के सरफेस में जैसे हल्का सा आप छोड़ते हैं डुबा करके, तो वो बेटा फ्लोट करते हैं, वहीं पे स्थिर रहते हैं, डूबते नहीं हैं। तो यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात हमें करनी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिक्विड है और लिक्विड में ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, प्लीज मेरी बात सुनिए। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये है कि mg डाउनवर्ड, देखिए वेट नीचे की तरफ लगेगा और बायोसी फोर्स लगेगा बेटा ऊपर की तरफ। और बायोसी फोर्स क्यों लगता है, कल मैंने इसका रीजन आपको क्लियर किया था, है ना। तो जब भी आप लिक्विड में डुबाते हैं पार्शियली या फुल्ली बायोसी फोर्स लगेगा, और बायोसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो बायोसी फोर्स इक्वल टू mg। यहाँ पर बेटा अगर फ्लोट कर रहा है तो बायोसी फोर्स जो है वो mg के इक्वल होगा। बायोसी फोर्स, देखिए कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप बखूबी जानते हैं कि बायोसी फोर्स mg के इक्वल होगा। बायोसी फोर्स जो होता है बेटा वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम, देखिए ये वॉल्यूम जो है, कल मैंने बायोसी फोर्स के बारे में बोला था कि बेटा इसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो सिंपली करना क्या है, जितना सबमर्ज्ड पार्ट है वॉल्यूम वो इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फिर बॉडी। किसका डेंसिटी लेंगे, लिक्विड का या बॉडी का? बॉडी का, लिक्विड का या बॉडी का? लिक्विड का। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी बराबर, और एम, एम इज द मास, एम इज द मास, तो मास किसका है? बॉडी का। तो बॉडी का मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी, बॉडी की इनटू जी। अब बेटा जी से जी कैंसिल आउट, अब यहां ध्यान दीजिए, समज वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, बी में तो टोटल वॉल्यूम आ गया ना, पूरे बॉडी का वॉल्यूम है ना, आराम से। तो बताइए बीएस अपॉन बी, क्या रो बी अपॉन रो एल होगा, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ बेटा, सब लोग आराम से देख के बताना कि ये बीएस क्या है बेटा, समज वॉल्यूम, और बी क्या है, टोटल वॉल्यूम। ये सबमर्ज वॉल्यूम और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम। अच्छा सबमर्ज वॉल्यूम का मतलब ये शेडेड पोर्शन जो इसका वॉल्यूम है, और वी का मतलब क्या बेटा, टोटल वॉल्यूम। तो बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, सबमर्ज वॉल्यूम जो है वो छोटा है और वी टोटल वॉल्यूम तो बड़ा है। तो क्या ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, लेस देन 1 आएगा, है ना।
अब देखिए लोयल इधर लेके जाएंगे तो क्या रो बी इज लेस देन लोयल। तो पहली बात तो हम ये कंफर्म हो गए, आराम से सुनिएगा, पहली बात तो हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि वही बॉडी फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। मेरी बात समझिए, वही बॉडी फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। तो देखिए बहुत ध्यान से, बॉडी की डेंसिटी शुड बी स्मॉलर देन लिक्विड की डेंसिटी। इधर सुनिए, अगर आप थोड़ा फील करिए, इमेजिन करिए, बिल्कुल आराम से सुनना। अब आप सोचो बेटा बिल्कुल लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, अभी तो जनता इधर बाकी है ना, वो कहां गया, वो कहां गया, तो यहां बैठता है, यहां बैठता है, यहां रितेश ऊपर आ कर गया, ये ऐसे सीख लगा कर ना। हाँ मनोज कुमार सिंह भी नहीं आया, वही बैठा मिस हमसे धूप में अखबार पढ़ते हुए। चलिए ध्यान से सुनिए, अरे सृष्टि, सृष्टि ब्लू पेज चाहिए, सृष्टि को ब्लैक पेन नहीं है क्या, देना देना इसको ब्लू पेन चाहिए, ब्लू पेन प्लीज, हम सब कुछ छोड़ ब्लू पेन ढूंढेंगे। Have you any blue pen? Have you any blue pen? अच्छा ये बोल रहे हैं कि मैं फिर वापस कर दूंगी, इसलिए आप करिए नहीं। हाँ ये ब्लू पेन है, भैया को वापस कर देना। दो 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 सृष्टि को, हाँ साल ए, अरे चलिए बेटा टाइम खराब नहीं करते, टाइम खराब नहीं करते, क्योंकि आज फ्लूड स्टैटिक्स कंप्लीट कर लेना हम लोग को, और बड़े आराम से कर लेंगे, आप बस चिंता ना करिए, ध्यान से पढ़िएगा। अब यहां पर बेटा इसको मैंने लिख लीजिए ताकि आप लिख करके निश्चित हो जाए, लिखिए इसे शांत, ये बात है। शांत बच्चों, ए चलिए दिमाग लगा के चलिए, एक बात बता बेटा, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो सोच के देखो, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होता है, बायोसी फोर्स जो होता है वो सबमर्ज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी होता है, और बॉडी का जो मास होता है इसमें बॉडी का वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी होती है। तो आप ये बोलेंगे कि सर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी से ज्यादा है, अगर जरा सा डुबाओगे तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होने से फोर्स तुरंत बड़ा सा लगने लगता है ना, और जैसे जैसे अंदर डूबता जाएगा डूबता है तो समझ वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड की डेंसिटी पहले ही ज्यादा है, बॉडी से ज्यादा है, मास बड़ा होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी, तो जी यहां भी है यहां भी है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी मीडियम में ज्यादा, मीडियम मोर डेंस है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, बॉडी से ज्यादा डेंस ये है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो क्या होता है जरा सा डुबाते तो बायोसी बहुत तेज लगने लगता है स्टार्टिंग में ही, इसीलिए सबमर्ज वॉल्यूम जो होता है हल्का सा ही डूबता है अंदर, हल्का सा ही डूबता है, और फिर बायोप्सी इतना सफिशियंट हो जाता है कि वो वेट को मैनेज कर लेता है। एक थोड़ा फील आपको दिमाग में रखना है कि यार लिक्विड डेंसिटी ज्यादा है उसकी, लिक्विड की जरा सा डूबेगा तो बायोप्सी अच्छा खासा लग जाएगा, इसीलिए पूरा का पूरा नहीं डूबता है,
सम स्मॉल पार्ट, सम पार्ट पूरे वॉल्यूम का कुछ ही हिस्सा डूबता है और वेट के बराबर इक्वल बायोसी फोर्स लग जाता है और बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये ऐसे करके आपको फील करना होगा। बोलो समझ में आई बात? ये लिख लिया बेटा, मिटा दो इसे। अब ध्यान दो मेरी बात सुनो। यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना प्लीज। यहां पर बेटा इस चीज को समझो, मेरी बात समझो। कभी भी आपको अगर ऐसा कहानी बोले कि कोई बॉडी है, मैंने उसको लिक्विड के सरफेस पे धीरे धीरे अलाउ किया कि ये नीचे की तरफ जाए और मैंने देखा ये पोजीशन पर जब ये आया, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस पोजीशन पर जब ये आया, बिल्कुल आराम से सुनना, तो इस पोजीशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने ये क्यूब था, अब इसको मैंने पानी के सरफेस पर धीरे धीरे छोड़ा, तो छोड़ा तो डूबता गया और फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि पूरा बिल्कुल बॉडी का अपर लेवल और ये पानी का लेवल एकदम सेम लेवल में आ गया, और उसके बाद मैंने जब हाथ हटाया तो मैंने देखा ये ब्लॉक यहाँ पे बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गया, अब ये नीचे नहीं डूबा, मतलब यही पे रह गया। दिस इज द केस ऑफ जस्ट सिंक या फिर इसको हम बोलते हैं जस्ट फ्लोट। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखता है कि एक बॉडी जस्ट सिंक करता है, ठीक है, या जस्ट फ्लोट करता है, तो दिस इज द केस ऑफ जस्ट फ्लोट। ठीक है, फ्लोट का मतलब कुछ ना कुछ पार्ट बाहर रहेगा, जस्ट फ्लोट लिख देगा तो आपको यही डायग्राम सोचना है, बिल्कुल न्यूमेरिकल में जहां मिला आपको यही डायग्राम दिमाग में इमेजिन करना है। यहां पर mg नीचे, बायोंसी फोर्स ऊपर, और यहां पर हम बोलेंगे बायोंसी फोर्स चूंकि बिल्कुल यहां पे इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू mg। यहां पे सबमर्ज्ड वॉल्यूम, बायोंसी फोर्स का कल फार्मूला बताया था, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g इक्वल टू mg, mg में मास बराबर वॉल्यूम, मास किसका है, बॉडी का वॉल्यूम v इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू g। अच्छा बेटा, हम ये देख पा रहे हैं कि जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है बॉडी का वो पूरा वॉल्यूम के ही इक्वल है, यहां पे पूरी बॉडी ही डूबी हुई है, तो क्या सबमर्ज वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम की वैल्यू एक ही है क्या? यस, तो ये कैंसिल आउट और जी से जी कैंसिल आउट, तो रो एल इज इक्वल टू होगा रो बी। इसका मतलब बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल होता बेटा, जैसी बॉडी को आप ऐसे छोड़ते जाते अलाउ कर रहे थे ताकि अब इक्विलिब्रियम में आए तब मैं अपना हाथ हटा सकूं, ऐसे करते जाएंगे अगर इस बॉडी की डेंसिटी लिक्विड के मीडियम की डेंसिटी के इक्वल होगा बेटा, तो ये कंडीशन आएगा, तब जाके आप अपना हाथ हटाएंगे, तब ये यहाँ पे टिका रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं जस्ट सिंक या फिर जस्ट फ्लोट। तो यहाँ पे रो एल इज इक्वल टू होता है रो बी। तो कभी भी क्वेश्चन में लिख के आएगा जस्ट सिंक या जस्ट फ्लोट, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि इस समय बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी मस्ट बी इक्वल। बोलो क्लियर हो गया? लिख लो इसे। हो गया क्या? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए यहां पर बेटा। अब मैं आपसे सिंपली ये बात कह रहा हूं, कभी भी बॉडी की डेंसिटी, जल्दी बताइए, बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड से कम है, बताइए सिंक या फ्लोट? फ्लोट। हम बोलेंगे इस समय कि सर ये फ्लोट करेगा,
अच्छा बताइए, जब ये बॉडी फ्लोट करेगा तो क्या बॉडी का पूरा वॉल्यूम अंदर आएगा या कुछ पार्ट आएगा? कुछ पार्ट आएगा। अच्छा, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बताइए। जस्ट फ्लोट या फिर क्या बोलेंगे? जस्ट फ्लोट या फिर जस्ट सिंक बोलेंगे। ठीक है, सब लोग समझिएगा आराम से, और इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए बेटा, बहुत आराम से इधर ध्यान दीजिएगा। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो गई ना, तो फिर ये बॉडी पूरा भी डूब जाएगा, लेकिन फिर बायोसी बहुत कम होगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो बायोसी कम लगेगा, बायोसी कम लगेगा, वेट ज्यादा है, बॉडी क्या होगा? सिंक हो जाएगा, बॉडी डूब जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो अगर आपसे मैं बोलूं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है कि बॉडी की डेंसिटी लेस देन और इक्वल टू लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल होना चाहिए। बताओ इक्वलिटी क्यों होल्ड कर रहा है? क्योंकि जिस समय जस्ट फ्लोट होता वो भी तो फ्लोटिंग का क्या केस है, इसलिए हम बोलेंगे बॉडी की डेंसिटी लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो हम इस केस को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। बोलो क्लियर हुआ? लिखो। अच्छा देखिए, ये बात तो क्लियर है कि आइस की डेंसिटी कम है, तो आइस को फ्लोट करेगा। अब यहाँ पर बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और बायोसी फोर्स ऊपर की तरफ, ये फ्लोट कर रहा है, और देखिए ये आइस है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बायोसी फोर्स इज इक्वल टू mg। अब बायोसी फोर्स, तो बायोसी फोर्स होता है सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर होता ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू जी। बोलो सही लिख रहा हूं मैं? और मास, तो आइस का टोटल मास, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 इनटू जी, तो जी से जी कैंसिल, दो जीरो इधर से उड़ गया। अगर आप देख रहे हैं तो सबमर्ज वॉल्यूम कितना आएगा, 9V/10। इसका मतलब ये होता बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कभी भी आइस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है तो उसके टोटल वॉल्यूम का 9/10 यानी 90% यानी 0.9 जो है वो अंदर डूबा हुआ होता है, एंड ओनली द 10% दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऊपर नजर आता है, और 90% हिस्सा अंदर पानी के अंदर होता है, केवल 10% ऊपर दिखता है, ये आइस वाटर में कहानी है। आई बात समझ में? लिखिए। हाँ, 90% हुआ होता है जो दिखता है ना, केवल क्या ही हुआ था, टाइटैनिक का हाल यही हुआ था, इसी वजह से। आराम से, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या नाम है तुम्हारा, हरिओम, क्या नाम है, उदयभान,
क्या नाम सही में? अच्छा तो मैं पिछली बार क्या गलत समझ गया था? अच्छा मुझे लगा कि हर कोई बोल रहा है मैं हूँ अमित। अच्छा आप भी अमित है, पूरा नाम क्या है? एहसान। अमित क्या बोला? ए अच्छा अमित यदुवंशी। अमित जी आपका पूरा नाम क्या है? अमित यादव। और कोई भाई अमित? अरे देवी देखिए देखिए बेटा इधर सुनिए प्लीज, मुंडी पर मुंडी पर क्या बोलना चाहते मुझे बोल देखिए। एहसान साथ भाई साथ। अच्छा सुनिए एक चीज आप ये सुनिए बेटा, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आइस से बेटा, और ये जब मेल्ट होता है देखिए आइस का वॉल्यूम भी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये आइस है ये वॉल्यूम भी है और ये मेल्ट होता है, तो मेल्ट होने पर ये वाटर बनेगा और वाटर का वॉल्यूम वी डैश है। ध्यान दीजिएगा आइस जब मेल्ट होता है तो वाटर है, वाटर का वॉल्यूम बेटा सेम नहीं है जितना आइस का वॉल्यूम है, इसलिए क्योंकि आइस की डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर, डेंसिटी चेंज हो गई और मोर डेंस हो गया यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाता है बेसिकली। अच्छा वैसे देखो ना मास कंजर्व है, जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो मास कंजर्व है, जितना आइस का मास उतना ही वाटर का मास, ठीक है ना, और मास वन होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 और वाटर का मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1000। तो मजे की बात ये बेटा कि जब आइस मेल्ट होके वाटर बनता है तो वाटर जो बनता है वो टोटल वॉल्यूम का 90/10 होता है, मतलब अगर मैं इसका वॉल्यूम बोलूं 100 तो मेल्ट होके वाटर बनेगा तो क्या बनेगा 90 बनेगा ना, यानी बेटा जब भी आइस मेल्ट होता है तो वाटर जो बनता है वाटर का वॉल्यूम आइस के वॉल्यूम का 90% ही बचता है केवल, यानी जब भी आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम ऑफ द आइस जितना भी है उसका 90% ही पानी आपको मिलेगा, क्योंकि वो सिकुड़ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेंसिटी 1000 होनी, इसलिए ये पहले सुनिए ध्यान से। तो इसी पर बेस एक सवाल ऐसे पूछा जाता है बेटा कि बोलेगा कि ये कोई बीकर है और इसमें ये आइस जो है वो तैर रहा है फ्लोट कर रहा है वाटर में, और आपसे ये बोलेगा कि जब आइस मेल्ट हो जाएगा, व्हेन आइस मेल्ट, जब ये आइस मेल्ट होगा बेटा तो हम सब से सवाल ये कहेगा कि बताइए वाटर लेवल पर क्या असर पड़ेगा, तो हम बोलते हैं वाटर लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए आइस जब मेल्ट होगी तो वाटर लेवल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वाटर लेवल जहां है वही रहेगा। अब इसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी 90% तो अंदर ये डूबा हुआ है ही, इतना 90 अभी पढ़ा था ना कि आइस जब भी फ्लोट करता तो 90% अंदर होता है, तो 90% तो अंदर डूबा हुआ है और इसके डूबने की वजह से लिक्विड का लेवल ऑलरेडी 90% के बराबर ऊपर आइस कर चुका है, वो सब हो गया है। अब क्या हुआ बेटा, आइस मेल्ट कर रहा है, तो आइस जब मेल्ट करता है तो वाटर बनेगा, ये भी वाटर ही है, ये भी वाटर ही है और ये आइस है। अब यहां पर बेटा ये मुझे बताइए, जब ये आइस मेल्ट होगा तो वाटर बनेगा और जो वाटर बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? आइस की जितनी वॉल्यूम उसका 90% ही तो होगा, तो 90% यानी जब सिकुड़ करके वाटर बनेगा तो वो केवल 90% ही जगह चाहिए उसको, तो 90% ऑलरेडी इतना पोर्शन वो हटा चुका है, और आइस जब बनेगा तो पानी बनेगा तो पानी इतनी जगह भरेगा, पानी इतनी जगह भरेगा और पानी का वॉल्यूम एग्जैक्टली 90% ही आ रहा है, तो वाटर लेवल बढ़ेगा ही नहीं आया समझ में, क्योंकि 90% ऑलरेडी डूबने से वाटर लेवल ऊपर जा चुका है, अब वो वाटर लेवल यहाँ है, अब आइस मेल्ट हो गया तो आइस मेल्ट हो गया सिकुड़ जाता है, 90% केवल बचता है पानी, तो 90% इतना ऑलरेडी अंदर इतना पोर्शन घेर लेगा पानी, आइस बनेगा पानी, इतना दूर में पानी आ जाएगा, आइस ऊपर से खत्म हो गया, तो वाटर लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम बोलेंगे देखिए ध्यान से,
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि ये मान लीजिए लिक्विड है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये लिक्विड वाटर हो जाएगा तो, अगर ये लिक्विड वाटर हो जाएगा तो बताइए कि अगर आइस मेल्ट होगा तो क्या वाटर लेवल पर कोई असर पड़ेगा? तो हम बोलेंगे ठीक है, नो चेंज इन लेवल ऑफ द वाटर, नो चेंज इन लेवल ऑफ द लिक्विड, है ना, लेवल ऑफ लिक्विड, नो चेंज इन लेवल लिख देता हूं, समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा, अगर मान लो ये लिक्विड ऐसा है जिसकी डेंसिटी, बिल्कुल आराम से सुनना, जिसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस तरह का थ्योरेटिकल सवाल हमें मिल जाता है बेटा कि मैं बोले लिक्विड ना इसकी डेंसिटी वाटर ज्यादा, जैसे ऑयल मान लीजिए, सपोज दैट एक दूसरा कोई लिक्विड है ऑयल मान लीजिए, जिसका डेंसिटी मान लीजिए वाटर का 1000 है, तो इस लिक्विड का डेंसिटी 1200 हो गया, कितना हो गया 1200 हो गया। अब मुझे बताइए पहली बात ये मुझे बताइए, वाटर से ज्यादा डेंस है ये लिक्विड, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या आइस जब फ्लोट करेगा तो, दिमाग लगा के बताइएगा, आइस जब फ्लोट करेगा तो क्या 90% अंदर डिप्ट रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? अच्छा कम क्यों रहेगा? और ज्यादा लग जाएगा, हल्का सा डूबेगा, तो जैसे मान लीजिए 80% डूबेगा, अब आइस तो मेल्ट करेगा तो वाटर बनेगा, वाटर को तो 90% चाहिए ना, 80% तो जगह घेर लेगा, 10% और 10% फैल जाएगा, तो हम कहेंगे यार लेवल बढ़ जाएगा, इस वेसल में लिक्विड का लेवल ऊपर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर है ये कि अगर इस लिक्विड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो गई और अगर ये आइस मेल्ट किया तो लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा सोच के देखो, फिर से बोलते हैं, लिक्विड की ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से बायंसी ज्यादा लगेगा, बायंसी ज्यादा लगेगा तो क्या 90% डूब पाएगा? नहीं, 80%, 90 से कम होगा, 80% 85% ऐसा ही तो होगा। अब मान लीजिए 80% है, एग्जाम्पल के लिए आइस जब मेल्ट करता है तो ये अपनी वॉल्यूम का 90% वॉल्यूम वाटर लेता है, वाटर बना लेता है 90%, तो 80% तो इतना पानी मिलेगा, बाकी का 10% पानी कहाँ जाएगा? फैल जाएगा ना। तो ग्लास में, वेसल में लिक्विड का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे लिक्विड लेवल राइजेस, लिक्विड लेवल राइजेस। ये दिख रहा है ना? इधर बेटा तू, अरे 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 पाओ, अच्छी है, आराम से दोस्त। बिठा रहा हूं आज ईमानदारी से, देखिए ध्यान से देखिए, एक सवाल और पूछता हूं, जवाब देना। अच्छा देखो बेटा, ये वेसल है और इसमें एक आइस जो है वाटर इसमें, और एक आइस है, उस आइस के अंदर एक मेटल की छोटी सी स्फीयर जो है वो ऑलरेडी आइस के अंदर फ्रीज्ड है ना, जब आइस बनाया गया तो उसमें मेटल की गोली ऑलरेडी इसमें ट्रैप्ड हो गई, ये छोटी सी मेटल की गोली है, स्मॉल मेटलिक स्फीयर, स्मॉल मेटलिक स्फीयर। यहां मैं क्यों बना रहा हूं भाई, यहां मैं क्यों बना रहा हूं भाई, स्मॉल मेटलिक स्फीयर है बेटा, ध्यान से देखना,
इसको फ्लोट करता है आप, कमाल करते हो मनोज कुमार सिंह। हाँ वही तो। अब बताओ बेटा, अगर आइस मेल्ट होगा तो इस वेसल में लिक्विड का लेवल राइज करेगा या नीचे जाएगा? आइस मेल्ट हो गया, देखो आइस है, नीचे जाएगा। रीजन एक मिनट, रीजन जो है वो अर्जुन बताएगा। अर्जुन तू बताना रीजन क्या दे रहे हो। 90% से ज्यादा वॉल्यूम डिप हो जाएगा, 90% से ज्यादा वॉल्यूम अंदर चला जाएगा आइस का। क्यों भाई, आइस है 90% भी तो बढ़ता है। अच्छा ये मेटल की गोली से वेट बढ़ रहा होगा इसका, है ना। अच्छा तो 90% ज्यादा डिप करेगा, मान लीजिए जैसे 92% 94% ऐसे, तो 94% ऑलरेडी डिप्ड है। अब ये आइस मेल्ट होगा, अब आइस मेल्ट होगा। ये छोटी सी गोली है, ये क्या है, इस छोटी सी गोली से लिक्विड लेवल, इसका वॉल्यूम ही नेगलिजिबल है, इसकी वजह से कोई वॉल्यूम राइज नहीं करेगा, ठीक है ना, समझ के चलना। तो ये जब ऐसे मेल्ट होगा तो ये छोटी सी गोली से निकल के गिर जाएगी, ठीक है। और वाटर जो बनेगा वो तो केवल 90% ही तो ऑक्यूपाई करता है, और ये डूबा हुआ कितना है, 90% से ज्यादा, 94%। तो पानी इतना आ जाएगा, बाकी का इतना जगह खाली रह जाएगा भाई, 90% इतना आएगा, 4% एक्स्ट्रा और डूब गया है मेटल के स्फीयर के वेट के से। मेटल में क्या होता है, जरा सा वॉल्यूम में बहुत सारा मास मिलता है, वेट बढ़ जाता है बहुत सारा, बोलो सही बोल रहा हूँ ना। तो क्या होता है, 4% एक्स्ट्रा है, 90% तो पानी इतना जगह घेर लिया, 4% बच गया, ये लिक्विड या इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, तो लिक्विड लेवल क्या होगा, डाउन होगा। तो हम बोलेंगे अगर इस केस में आइस मेल्ट होता है तो लिक्विड लेवल क्या होगा, व्हेन आइस मेल्ट्स देन लिक्विड लेवल, देन लिक्विड लेवल बताइए, देन लिक्विड लेवल डिक्रीजेज, देन लिक्विड लेवल डिक्रीजेज। सिंपल कहानी है ईमानदारी से, सिंपल कहानी है ईमानदारी से। इधर मिटाऊ, देखो बच्चों, बोले बर्तन छोड़ ही नहीं रहे सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बोलू क्या, हाँ अब मैं बोलना चाहता हूं, मुंडी पर करो। अच्छा बेटा एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक जो है लकड़ी का बनता है, वुडन ब्लॉक मालूम है आपको, क्या बात है। मैंने देखा कि एक वुडन ब्लॉक पानी के ऊपर बड़े मजे से तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने के लिए उसे थोड़ा सा डूबना पड़ेगा, तो ये बेचारा थोड़ा सा डूबा हुआ है। डूबने का फायदा क्या होता है, क्यों डूबा, ताकि बायोसी लगे, और बायोसी जब तक लगेगा नहीं वेट बैलेंस कौन करेगा, है ना। तो बायोसी ऊपर लगा और वेट बैलेंस्ड है। अब मैंने इस पे छोटा सा एक सिक्का लेकर के और इसके ऊपर रख दिया, ये सिक्का ऐसे, सिक्का जो बनता है वो मेटल का बनता है अपने भारत देश में, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए सिक्का यहां मैंने रख दिया बड़े मजे से, सिक्का जो है वो छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा मास मिलेगा, क्योंकि वो मेटल का बना है, मेटल की डेंसिटी हाई है, इसलिए वो जो सिक्का वजनदार होता है। जैसे ही मैंने रखा तो अब बताइए क्या ये अब थोड़ा ज्यादा नीचे डूबेगा या थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्या होगा, क्या ज्यादा डिप करेगा, ऊपर आएगा। अच्छा डिप करके फिर ऊपर चला जाएगा, बोले यार मुझे तो सिक्का मिल गया, मैं तो चला गया, अब सिक्का मिल गया कर रहा था, बहुत हो गया था। ये सृष्टि का फिजिक्स है, दिस द फिजिक्स ऑफ सृष्टि। हाँ बहुत बढ़िया, तो सिक्का रखने से ये ब्लॉक ऊपर आएगा, ऊपर उछल जाएगा, बेसिकली क्या होगा बेटा, नहीं उछलेगा, सिक्का मिले तो उछलता नहीं है कोई बेटा, वजन इसका बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो वेट बढ़ रहा है, नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो क्या होगा, फायदा नीचे क्यों आएगा भाई, बायोसी। अभी बायोसी कम है, समझ वॉल्यूम कम है,
जब नीचे डूबेगा तो समज वॉल्यूम बढ़ेगा और अंदर डूबेगा तो समज वॉल्यूम बढ़ेगा तो बायोंसी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जैसे ही बायोंसी वेट के बराबर होगा बड़े मजे से इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जैसे हम इसके ऊपर सिक्का रख देते हैं तो ये थोड़ा सा और अंदर डिप कर गया। बोलो क्लियर? चलो भाई अंदर ये डिप कर गया बेटा। सिक्का बहुत छोटा है, ईमानदारी से सिक्का बहुत छोटा है। अब मैंने कहा कि इस लिक्विड लेवल की हाइट मैंने देखा ग्लास में बर्तन में तो देखा एल लेवल तक हाइट है इसका और ये जो वुडन ब्लॉक है वो एच डेप्थ तक डूबा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, कोई आया उधर से एक आदमी बोला अबे सिक्का है, तो सिक्का ऐसे उठाया और डाल दिया पानी में। सिक्का क्या किया, यहां से उठाया और कहां डाल दिया, पानी में डाल दिया। इतना ईमानदार है, ठीक है। अब ये सिक्का जो है पानी में डाल दिया तो पानी में अंदर डूबने का सिक्का डूबेगा कि तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और लेकिन सिक्के का वॉल्यूम कब होता है, पतले डिस्क जैसा ही होता है। ये डूब गया, यहाँ आ गया, तो बताइए एल और एच पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये सिक्का उठा करके मैंने पानी में डाल दिया एक सेकंड, जिसको आता है वो हैंड रेस करना है, ठीक है, बोलना नहीं है। जब ये सिक्का मैं उठा के पानी में डाल दूंगा तो एच और एल पर क्या असर पड़ेगा, यह सवाल का जवाब है। कौन जवाब जानते हैं, रेज योर हैंड। एक तो दिल जानता है, एक ये अरे लक्ष्मी दीदी बोल रही भाई, अरे छोड़ो सर, अरे सब हाथ दीजिए भाई, लक्ष्मी दीदी बोल रही है। बोलो लक्ष्मी दीदी, ये सिक्का अंदर जाएगा इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब ऊपर जाएगी। हाँ लक्ष्मी, सिक्का ना लक्ष्मी, लक्ष्मी जवाब दे रही है। अब तो मैं हर एग्जाम्पल में डाल सिक्के से क्या जवाब दे दोगी ना, आगे से मैं हर एग्जाम्पल में सिक्का दे दूंगा। चलो एल क्या होगा बेटा, एल बढ़ेगा ऊपर जाएगा लेंथ में, राइट का मतलब। एक मिनट, अच्छा इस सवाल का जवाब मैं दिल से लेना चाहूंगा। दिल, हाँ दिल बताएगा, दिल ही जानता है सब कुछ। हाँ एहसान जरा दिल को बोले दीजिए। सिक्का रख दिया, सिक्के का मास होगा वो सब हो गया, यहाँ तक आ गया। हाँ सिक्का हटाएंगे, यस यहाँ से शुरू करना। अरे तुम लोग यार थोड़ा रुकते जाओ। अरे दिल ने सिक्का हटाया, यार कर तो दिखा। हाँ वो दिल को एक मिनट, सिक्का हटाने पर बायोंसी ज्यादा लगेगी, वेट कम हो गया और बायोंसी वेट के रिस्पेक्ट में ज्यादा। तो ये सिक्का हटाती है ब्लॉक ऊपर जाएगा क्योंकि वेट कम हो गया, सिक्का हटाने से बायोंसी ज्यादा लग रहा ऊपर जाएगा। एच डी, ये बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिक्का हटाने पर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा एच घटेगा, ये कंफर्म। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बताओ एहसान साहब। हाँ जब ऊपर जाएगा तो सबमर्ज वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, पहले ज्यादा सबमर्ज हो गया था सिक्के की वजह से, सिक्का हटाएंगे तो अब सबमर्ज वॉल्यूम कम होगा। तो हाँ पहले ज्यादा कर चुका था डिस्प्ले, क्योंकि ज्यादा डीप हो गया था तो ज्यादा डिस्प्लेस किया था, अब चूंकि सबमर्ज वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो लिक्विड जो ज्यादा डिस्प्लेस होता है नीचे आएगा और उस जगह को घेरने लगेगा, ऑक्यूपाई करेगा, तो लिक्विड लेवल क्या होगा, एल क्या होगा। ये सवाल देखते ही सिर्फ तुरंत बता दिया था, या तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बेटा, बोथ एल एंड एच डिक्रीज। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, सुनिए, देखिए जो लोग जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। सिंपल कहानी का बेटा है, सुनो, जब हम सिक्का उठा के पानी में डालते हैं तो सिक्के का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उसकी वजह से पानी ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, पानी के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज, तो सिक्का नीचे गिरेगा, खत्म हो गया,
ये देखिए इसका वेट कम हो गया, वेट नीचे जो कम हो गया और बायोप्सी ऊपर ज्यादा लग रहा है तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, जैसे ही ब्लॉक ऊपर जाएगा तो एच डिक्रीज करेगा, तो ये कंफर्म हो गया एच डिक्रीज है। अब चूंकि ब्लॉक ऊपर जाएगा तो सबमर्ज वॉल्यूम ज्यादा था तो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो चुका था, अब जब ब्लॉक ऊपर जाएगा तो सबमर्ज वॉल्यूम कम होना है ना, सबमर्ज वॉल्यूम कम है तो लिक्विड भी तो कम डिस्प्लेस होना है, तो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस था वो लिक्विड अंदर आएगा, चूंकि ऊपर उठेगा तो ये उतनी स्पेस खाली करेगा तो वहां पर लिक्विड भरने लगेगा, तो लिक्विड का लेवल डाउन आएगा ताकि लिक्विड यहाँ जो वॉल्यूम जगह खाली छूटेगा ब्लॉक के ऊपर जाने से वो स्पेस ये लिक्विड भरने लगेगा तो लिक्विड का लेवल नीचे आएगा। तो हम यहां पर बोलेंगे बोथ एल एंड एच डिक्रीजे, बोथ एल एंड एच डिक्रीजे, ये इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? अरे कोई दिक्कत विक्कत? इधर मिटा दो बेटा, इधर वाला मिटाओ। देखिए ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से प्लीज, इधर देखिए। अब यहां पर बेटा जैसे कभी कभी आपको इस तरह का सवाल मिलता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कंबगत पीछा ही नहीं छोड़ना है। अब यहां पे दो तरह का लिक्विड है, ध्यान दीजिएगा प्लीज सुनिएगा। अब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आपको क्लियर रहेगा सवाल देखते ही आप बना लोगे। सुनिए यहां पर क्या होगा कि ये लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है, ओके, ये नीचे है तो आप कंफर्म बोलना इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और ये ऊपर है इसकी डेंसिटी कम होगी। मान लीजिए इसकी डेंसिटी है रो वन और इसकी डेंसिटी है रो टू, बिल्कुल आराम से सुनना बच्चों, ध्यान से। तो हमारे पास ये एक वेसल है जिसमें दो तरह का लिक्विड है और इमिसिबल है, मतलब मिक्स नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये डेंसिटी रो वन, ये डेंसिटी रो टू, आप तय करो किसकी डेंसिटी ज्यादा किसकी डेंसिटी कम है, जो नीचे है उसकी डेंसिटी ज्यादा, जो ऊपर उसकी डेंसिटी कम है। अब यहाँ पर बेटा आपसे कहेगा कि एक सिलिंड्रिकल रॉड ऐसे करके ये मान लीजिए फ्लोट कर रहा है, इंटरफेस जहां पर दोनों लिक्विड का फेस टच कर रहा है वहीं पर इंटरफेस पे ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है ऐसे करके। अब यहां पर बोलेगा कि टोटल लेंथ एक्स एल है इस रॉड का, सिलिंड्रिकल रॉड का टोटल लेंथ है एल, जिसमें ये वाला हिस्सा एक्स और ये वाला हिस्सा हो जाएगा एल माइनस एल। तो बोलेगा अगर इसका रेडियस है आर और इस रॉड की डेंसिटी मान लीजिए है रो नॉट, तो बोलेगा फाइंड एक्स ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अब सवाल ये उठता, देखो बेटा देखो पहले ध्यान से देखो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। देखिए जो रियल तरीका है वो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन वो रियल तरीका आपको लगाना नहीं, आपको लगाना है गलत तरीका। आपको क्या लगाना है? गलत तरीका लगाना है। रियल तरीका बता देता हूं लेकिन आपको क्या करना है, गलत बनाना है, ठीक है, आंसर सही आएगा, देखिएगा ध्यान से। हाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, कल मैंने अगर बायोप्सी का रीजन बताया था, सुनिए बेटा सुनिए, देखिए कल मैंने बायोप्सी का आपको रीजन बताया था। पहले बताओ बेटा ये ब्लॉक अगर मान लीजिए दो लिक्विड के इंटरफेस पे फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल आराम से सुनना, तो ये फ्लोट क्यों कर रहा, कैसे कर रहा, तो हम बोलेंगे देखिए सर mg फोर्स डाउनवर्ड, इसका वेट नीचे और बायोप्सी ऊपर लगेगा, तो बोलेंगे बायोप्सी, हाँ सर बायोप्सी रहेगा, बायोप्सी कैसे रहेगा, कितना लगेगा। अच्छा देखिए सुनिएगा बेटा, एक्चुअली क्या होता है बेटा, बहुत आराम से सुनना, ये जो लिक्विड है इधर से प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये प्रेशर फोर्स पहले यहां पर जो प्रेशर रहेगा, मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इधर से फोर्स है P1 है, ठीक। अब सोचिए अगर आप एक्स डेप्थ नीचे जाते, बिल्कुल आराम से सुनना, तो यहां पर लिक्विड में प्रेशर है P1, एक्स डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यहां पर प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस डेंसिटी कितनी इसकी, रो टू, रो जी एक्स, रुकिएगा पहले ध्यान से आराम से सुनिएगा, तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस रो टू जी एच। अब लिक्विड बदल गया तो फिर हम नीचे जा रहे हैं, तो जो यहां पर प्रेशर है वो यहां से फिर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और यहां पर कितना होगा एल माइनस एक्स डेप्थ नीचे, तो हम बोलेंगे यार जो प्रेशर है उसमें रो जी एच एड कर दो बढ़ जाएगा, तो यहां पर प्रेशर होगा, देखिए यहां पर प्रेशर कितना है P1 प्लस रो टू जी एच में कितना ऐड करेंगे भाई, रोमन जी एल माइनस एक्स, बोले इतना प्रेशर रहेगा, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं P2 मान लेता हूं, तो P2 मान लिया,
तो आप बोलेंगे सर इधर से जो लिक्विड की वजह से जो ऊपर फोर्स लगेगा वो पी टू इंटू ए लगेगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि इन्हीं प्रेशर के फोर्स की वजह का जो रिजल्टेंट होता है, प्रेशर के फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट होता है उसी को बायोंसी बोलते हैं। बायोंसी इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ऊपर लगता है बायोंसी। तो आप सोचिए, देखिए ध्यान से, पी टू ए ऊपर है, पी वन ए नीचे और एम जी नीचे, तो पी टू ए इक्वल टू होगा पी वन ए प्लस एम जी। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? आराम से सुनते रहना, ये तरीका लगाना नहीं है क्योंकि ये रियल तरीका है जो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कर रहा हूं। पी टू की वैल्यू आप लिखेंगे, अच्छा देखिए मास और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आप इसका वॉल्यूम कितना लिखेंगे, इसका वॉल्यूम तो एरिया इनटू लेंथ, लेंथ एल इनटू डेंसिटी रो नॉट, यही लिखेंगे ना। मास की जगह ए इनटू एल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ए से कैंसिल आउट कर लेंगे। ओके, अब यहां पर बेटा पी टू थोड़ा और पढ़े लिखे होते तो कितना मजा आता, पी वन इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, पी टू माइनस पी वन, तो देखिए पी टू माइनस पी वन कितना होगा, पी वन उठा के इधर लाएंगे तो पी टू माइनस पी वन की वैल्यू ये आ जाएगी, ये मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, रो टू जी एच प्लस रो वन जी एल माइनस रो वन जी एक्स, ब्रैकेट भी खोल दिया, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, जी एल रो नॉट, जी एल रो नॉट, जी 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 जी। ओके जी, अब हमारे पास एक्स सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या ये तरीका लंबा हो गया? सर बहुत लंबा, नीट में आया तो बस बस जय राम जी, है कि नहीं। तो मैं आपको इसमें गलत तरीका सिखाता हूं, मैं आपको इसमें गलत तरीका सिखाता हूं। देखिए गलत तरीका, इसको नोट करिएगा क्या, मत करिएगा, लेकिन रियलिटी पता होना चाहिए। अच्छा कुछ लोग लिखना चाहते हैं, लिखे लिखे, फिर मैं उसको गलत तरीके से बना कर दिखाता हूं। शांति शांति शांति। तो बहुत लोगों को बायोंसी फोर्स का कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बहुत पहले जो पढ़ा था उसी आइडिया से पढ़ रहे होंगे, आज कल की क्लास तो करी नहीं थी उन्होंने। आराम से आराम से, अर्जुन सिंह हो गया। आराम के भी आज तुम्हें रुकना हो, रुक जाओ बेटा। अब देखिए मैं आपको इसका गलत तरीका बताता हूं और वह शॉर्ट तरीका है, जल्दी से बना लेना है। अब देखिए बिटा दू, चल अब देखो मैं इसका गलत तरीका बताता हूं जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गुंडी बंदरों। देखो करूंगा क्या, तो तुम्हारा सिंक वाला जवाब मिल गया क्या, उसको पूछना, सिंक वाला जवाब मिल गया क्या पक्का? देन अभी एक चीज और बताऊंगा, लोहे की सुई डूब जाती है, लोहे का जहाज नहीं डूबता है। लोहे की सुई डूब जाती है, लोहे की सुई पानी में डूब जाएगा, तो
लोहे का जहाज इतना बड़ा जहाज होता है वो नहीं डूबता है। अच्छा अमित जी बोलेंगे, बोलिए अमित जी। सुई उस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सोच रहे हैं, उसको ऐसे करके करके करिए ना, फिर देखिए हमको वो दिखाइए तैरता ही नहीं तैरता है, ठीक है। ऐसे करके छोड़िएगा टुक से अंदर, लेकिन लोहे की जहाज, लोहे का जहाज इतना बड़ा लोहे का जहाज तैरता बढ़िया शानदार तरीके से। मैं बहुत पार्शियल। अच्छा मैं पार्शियल हूँ कैसे बेटा? अच्छा मैं लड़कों का पक्ष ज्यादा लेता हूँ। अच्छा तुम, हाँ मैंने झेला है बचपन में से, मैंने झेला है, मैं तो कितनी जगह झेला। अब हम लड़के लड़के होने का क्या मतलब भाई, हमें जहाँ देखो जहाँ लाते पड़ रही है जूते। अच्छा घर से शुरू होता था, निजी गलती के लिए पिटाई हमें लग रही है, पापा आते थे बारे सीख देते थे। अरे भाई वो भी तो गलती करती है, उसने एक बार मेरे को ऐसे करके, नहीं नहीं नहीं, अब मेरी दीदी है बॉक्स लेकर के मेरे सिर पे मारती, अब उठ गया उठ गया तो मुझे उस दिन मरहम पट्टी करा दिया गया। मैंने कहा कि रात तक पापा का मूड गर्म होगा उसका दो चार दिया जाएगा, नहीं हुआ। जब मेरे तरफ से ये हरकत हुई तो मुझे तो दिन रात पीटा गया, दिन रात पीटा गया। अब उस दिन मैं याद करता था, मैं जबरदस्ती कोप भवन में चला गया। एक दिन तो मेरी कुटाई हुई ठीक से, दिन रात पीटा। उसके बाद अगले दिन में कोप भवन में एक दिन इसी गम में सौ फिर दोबारा यही हरकत है, ठीक नहीं करेंगे तो उसको कुछ दूंगा नहीं। अब तो बड़ा पीटा गया, क्या करेगा, लड़के हो गुनाह है, बस खेलो। खैर ठीक है बेटा, तभी मैंने तय किया था कि ये दर्द लड़कों का भी समझते हैं भाई, उसको हर साथ में घबराना नहीं। देखिए देखिए भाई ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बेटा भाई प्लीज, यहाँ पर बेटा गलत तरीका ये सोचिए, आप ऐसे करिए इसका वेट एमजी नीचे लग रहा है, आप सोचिए इस लिक्विड के द्वारा बायंसी ऊपर लग रहा है, होता नहीं है गलत बात है, और इस लिक्विड के द्वारा भी बायंसी ऊपर लग रहा है होता नहीं है गलत बात है, कंसेप्ट ही नहीं है ये। लेकिन आप क्या करा करिए, जल्दी से बनाने का ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, खासकर इस तरह का सवाल देखते ही आप तुरंत ये करिएगा। आप ऐसे सोचिएगा यार लिक्विड में इतना डूबा हुआ, ऊपर वाला लिक्विड में इतना डूबा हुआ है बायंसी लगेगा, इतना डूबा हुआ यहाँ भी डूबा हुआ है बायंसी लगेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके क्वेश्चन को तुरंत बनाना, बी वन प्लस बी टू बराबर एम जी। और आप सुनिए बायंसी बोल देख के ही आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, समझ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी करो बस। देखो बी वन, जैसे बी वन का फर्स्ट लिक्विड ये देखिए इतने का वॉल्यूम, लेंथ इनटू एरिया, लेंथ कितना एल माइनस एक्स, एरिया ए। अरे समझ वॉल्यूम ने निकाल लिया, अरे क्या बात है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो वन, अरे मजा आ गया। बी टू ये, अच्छा इसके द्वारा इसमें वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इनटू एरिया इनटू डेंसिटी ऑफ द मीडियम रो टू इनटू जी मास, इसका वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, सॉरी एक्स होगा बहुत बड़ा दिक्कत, इसका मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एल इनटू ए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ रो नॉट इनटू जी। देखो जी से जी कैंसिल, ए से कैंसिल और हम वही पहुंच गए। इसको ब्रैकेट को खोलो, रो वन एल माइनस रो वन एक्स प्लस रो टू एक्स बराबर रो नॉट एल। और देखिए रो वन एल उधर जाएगा, एक्स इसमें कॉमन हो गया, रो टू माइनस रो वन बराबर रो नॉट माइनस रो वन एल। और ये देखिए एक्स बराबर आ गया रो नॉट माइनस रो वन अपॉन रो टू माइनस रो वन इंटू एल। अब देखिए यही आंसर जो करेक्ट मेथड था उससे भी यही आता है, उसमें क्या है बुद्धि लगाना पड़ेगा ज्यादा, इसमें क्या है जो जानते हैं उससे ही क्वेश्चन बना ले गया है। नहीं आया समझ में? अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं? रियल मेथड मैंने आपको बताया, मैं बहुत ही साफ तौर पे कह रहा हूं ये गलत तरीका है, क्योंकि ऊपर वाले लिक्विड के कारण बायंसी ऊपर कैसे लग जाएगा भाई, वो तो प्रेशर ही नीचे की तरफ दबा रहा है ना, इसे ऊपर तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं। आप ऐसे करके बनाइए क्वेश्चन बनता है, तो ये गलत तरीका है, लेकिन हमें
इस ट्रिक को याद रख लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए दिमाग लगा करके। अब ऐसा सवाल बना लोगे ना, ऐसा ही बताओ। एक छोड़ दो, क्या हो गया भाई? हद करती सेम कहानी, सेम कहानी। मिटा दो बेटा, देखिए ध्यान से पहले मेरी बात सुनिए। अब शायद फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, बंदे लगेगा, बस अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपको लगेगा हाँ अब क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। ध्यान से सुनिए, यहां पर बेटा सवाल ऐसा है, बिल्कुल आराम से सुनना प्लीज प्लीज प्लीज। इस टाइप का अगर सवाल मिलता है, देखिए ध्यान से, ये लिक्विड है, इसमें एक मैंने बॉडी लिया, ध्यान से सुनना बच्चों, बॉडी की डेंसिटी लेस देन लिक्विड की डेंसिटी, मुझे ये बताओ ये बॉडी में हल्का सा अगर डुबा के छोड़ू बोलो कहाँ जाएगा? नीचे सिंक, ऊपर जाएगा। अच्छा बॉडी डेंसिटी कम है, अब कह रहा हूं इसको यू वेलोसिटी से अगर मैंने नीचे की ओर फेंका तो बताओ रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस तरह का सवाल आता बेटा कि रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अपन इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से ऐसे बनाएंगे कि सर यहां से यहां तक में एक्सेलरेशन निकालो। जब ये बॉडी ऐसे करके नीचे आ रहा बेटा तो देखिए पहले एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए, एम जी डाउनवर्ड लगेगा क्लियर, बायोंसी फोर्स करेगा ऊपर क्लियर। अच्छा बताइए बायोंसी बड़ा लग रहा हो कि वेट बड़ा लग रहा हो? समझ वॉल्यूम तो पूरा इक्वली है, डेंसिटी मीडियम लिक्विड की ज्यादा है, बायोंसी ज्यादा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की नीचे? ऊपर। तो पहले एक्सेलरेशन हम न्यूटन्स लॉ से निकाल लेते हैं, ऊपर जा रहा है तो बी बड़ा एम जी, जो एक्सेलरेशन ऊपर है तो बी माइनस एम जी बराबर एम ए, यहां तक ठीक है? अच्छा बता ये बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला, हाँ वॉल्यूम समाइज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ इनटू माइनस मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा यहाँ पे समाइज वॉल्यूम और बॉडी वॉल्यूम सेम कर दिया, ठीक है क्या? अरे सही क्या क्या? और बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू ए, बी से बी कैंसिल, ए बराबर हो गया लिक्विड की डेंसिटी माइनस बॉडी की डेंसिटी इनटू जी अपॉन रो बी, बोलो सही लिखा? ये हमारे पास क्या सॉल्व हो के आया? एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन सॉल्व हो गया ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से यहां तक लगा देंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर रिटार्डेशन है तो माइनस टू ए एस, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल यू से फेंका गया टू ए एस, एक्स बराबर कितना आएगा यू स्क्वायर बाई टू ए, तो यू स्क्वायर बाई टू ए और ए की वैल्यू ये लिख दूं कितना है रो एल माइनस रो बी इंटू जी अपॉन क्या था रो बी ऊपर आ गया, लो जी हो गया जी डिस्टेंस। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ईमानदारी से। हाँ बोलो बोलो। अरे फेंका है भाई, अरे ऐसे अरे फेंका है तभी तो रिटार्ड हो रहा है, बायोंसी ऊपर जा रहा है तभी तो रिटार्ड हो रहा है, उसको तुम छोड़ दोगे तो ऊपर चला जाएगा वहीं से। लेकिन मैंने उसे क्या करा, लिक्विड में हाथ अंदर डुबा के फिर उसे अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करा, जैसे रबर की गेंद अंदर की तरफ फेंकोगे तो दूर दूर तक नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। बॉर्नविटा का कमाल है, कल तो बॉर्नविटा खूब चल रहा था, आज नहीं चल रहा बॉर्नविटा दोबारा।
से मिटा दे। बेटा शांत, शांति शांति, बात नहीं करो, पड़ोसी से मतलब मत रखो। बिटाए, चलो ध्यान देना बच्चों, मुंडी ऊपर रखना। देखो बेटा, एपरेंट वे ऑफ अ बॉडी इन अ लिक्विड देखिए बेटा, अगर हम किसी बॉडी को लिक्विड में डुबाते हैं तो क्या उसका वेट जो एक्चुअल एयर में था क्या उतना ही लिक्विड में हमें फील होगा? नहीं। जब भी हम पानी में डुबाते उस बॉडी को तो हमें लगता है उसका वजन कम हो गया, ठीक है ना? और वजन कम उसका लगेगा जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। और अगर आपने गलती से मान लीजिए रबर की गेंद हाथ में लेकर के उसके बाद अंदर डुबाया तो आपको रबर की गेंद ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ आपके हाथ को खींच रहा है, यानी वहां पर रबर की गेंद में वजन ही नहीं फील होगा, वही रबर की गेंद के बजाय लेदर बॉल हो और फिर उसे डुबाएंगे तो आपको लगेगा लेदर मतलब ड्यूज बॉल, ठीक है, सॉलिड बॉल जो कि अंदर मेटल से मान लो बना हुआ है, उसको अंदर डुबाएंगे तो आपको वजन कम लगेगा, लेकिन रबर की गेंद लेके जाएंगे तो वजन ही नहीं लगेगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि जब हम किसी बॉडी को, ध्यान से सुनिएगा, ये पानी है और ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस से आपने यहां पर इस बॉडी को पहले एयर में इसका वेट मेजर करा और अब आपने इसे एक पानी में डुबा दिया, फिर इसका वेट मेजर कर रहे हैं तो हम देखते हैं वेट जो है कम नजर आता है। एपरेंट का मतलब होता है जो वहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट वेट। यहां पर बेटा दरअसल क्या होता है, एमजी नीचे लग रहा है, ठीक है, बायोंसी किधर लगेगा? ऊपर लगेगा ना, तो बायोंसी ऊपर लगेगा और स्प्रिंग फोर्स ऊपर। अच्छा, ये स्प्रिंग बैलेंस जो है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये स्प्रिंग बैलेंस उसी का वजन मेजर करेगा जिस जो डूबना चाहता है, जो डूबना चाहता है उसी का वजन मेजर करेगा, ठीक है ना? तो यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, दो फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे है, तो बायोंसी फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एमजी, और स्प्रिंग बैलेंस का जो फोर्स होता है वही इसकी रीडिंग कहलाती है, वही इसकी एपरेंट वेट कहलाती है। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस को कोई मतलब नहीं कि तुम कैसे बाहर से खींच रहे हो, उसको मतलब स्प्रिंग फोर्स है। अगर स्प्रिंग फोर्स 10 न्यूटन है वो बोलेगा यार बॉडी जो है उसका वेट 10 न्यूटन है, और 20 न्यूटन की स्प्रिंग फोर्स है तो वो बोलेगा 20 न्यूटन की रीडिंग है। तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होगा एमजी माइनस बी। आप देख पा रहे हैं कि एमजी में से बी घट गया, यानी जितना वेट है अगर बायोंसी ऊपर लग गया, जैसे 100 है वेट और 10 ऊपर बायोंसी लग गया तो जो लॉस इन वेट हुआ वो 10 के बराबर है ना। बायोंसी का मतलब होता है लॉस इन वेट, जितना बायोंसी लगा उतना ही वेट कम हो जाएगा। अगर बोले 100 न्यूटन का वेट है, 10 न्यूटन ऊपर, अरे यार वेट में 10 न्यूटन कम कर दो, वेट में देखो 10 न्यूटन कम कर दिया, लॉस इन वेट के इक्वल है, ये लॉस कर देता है वेट। और अब जो एपरेंट वेट आएगा, दिस इज द एपरेंट वेट, वो हो जाएगा एमजी माइनस बी, एमजी माइनस बी, दिस इज द एपरेंट वेट। और ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द एपरेंट वेट एमजी माइनस बी। यहां पर बेटा बायोंसी फोर्स आप लिखते हैं सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां तो पूरा ही बॉडी अंदर है, लिक्विड में मेजर कर रहे हैं उसका वेट, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, क्या वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होता है? तो यस सर, बॉडी की डेंसिटी, मास अपॉन बॉडी की डेंसिटी करेंगे तो बॉडी का वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या ऐसा नहीं होता, बॉडी का मास होता है बॉडी की वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी, होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर इनटू रो एल इनटू जी। तो यहां पर बेटा एपरेंट वेट का जो फॉर्मूला बनता है वो सुनिए, एपरेंट वेट का फॉर्मूला, एपरेंट वेट डब्ल्यू एपरेंट
अगर आप गौर करिए तो mg यहां और mg यहां कॉमन है, तो यहां पर आएगा mg कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्चुअल वेट माइनस 1 माइनस रो एल अपॉन रो बी। कहीं कहीं बुक में ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं बुक में बॉडी की डेंसिटी को सिग्मा से लिख देगा और लिक्विड की डेंसिटी को रो से रो अपॉन सिग्मा दे देगा। जान मत दे देना, मतलब समझो, मैं सिग्मा उग्मा का लेकर चक्कर नहीं चला, मैंने कहा एल फॉर लिक्विड बी फॉर बॉडी। अब आपसे कभी बोले कि बॉडी को हमने लिक्विड में डुबाया, बताइए एपरेंट वेट कितना होगा, तुरंत आपको ये फॉर्मूला बताना है डब्ल्यू इंटू वन माइनस रो एल अपॉन रो बी। इसमें बेटा प्रोवाइडेड दैट रो एल शुड बी ग्रेटर देन रो बी, रो एल शुड बी ग्रेटर देन रो बी, रो बी से बड़ा होना चाहिए, छोटा रहेगा तो एपरेंट वेट जीरो दे देंगे, सीधा आंसर। आ रही मेरी बात समझ में? ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जो बॉडी डूबना चाहता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। सॉरी तो से बोलो, पहुंचो पहले पहुंचो, इसके बाद बात करते। सृष्टि पहुंचो, देखो ना फ्लूड कंप्लीट होने वाला है, अगले 5 मिनट में फ्लूड कंप्लीट हो जाएगा। तुम बोलोगे सर फ्लूड कंप्लीट, और उसके बाद फिर डाउट ही डाउट। बिल्कुल कल करा दूंगा, कल बिल्कुल, कल मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कल में डाउट बेटा, कल डाउट ही रहेगा, ठीक है? नहीं नहीं, मैं कंप्लीट कराता हूँ, डाउट डाउट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, डाउट ही नहीं कराएंगे तो फायदा क्या हम लोग का? कल डाउट डिस्कशन होगा भाई, कल आप लोग ग्रेविटेशन के डाउट लेके आएंगे, ग्रेविटेशन के डाउट पूछ लेंगे। और फ्लूइड के पहले ग्रेविटेशन तो कल तक तो सब कर लेगा। अरे सृष्टि है, सृष्टि है। घबराहट नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं। मिटा दे इधर, आराम भैया भैया मिटाओ। बेटा एक चीज इसमें समझिए, चलो बेटा इस चीज को बताओ, अच्छा बताओ अगर बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड के बराबर हो जाए, बताओ एपरेंट वेट क्या लिखोगे? यस, एपरेंट वेट क्या बोलेंगे? अच्छा बताइए इफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज स्मॉलर एंड लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, बोलो एपरेंट वेट क्या लिखोगे? फिर से जीरो, वेट नेगेटिव नहीं होता है, आंसर क्या दे रहा है? जीरो। नहीं आया, सिंपल कहानी है, जोर से बोलो। अगर तुम ध्यान दो मुंडी ऊपर करके, बाहर की होने वाली घटनाओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है? जितने तुमने सैक्रिफाइस किए हैं, मैं सही बता रहा हूं, मेडिकल कॉलेज में एकदम पहले दिन से मस्ती के मूड में रहना, ठीक है? एकदम फुल मस्ती के मूड में रहना, बोला पहले तो प्रथम 6 महीने तो हमें पढ़ना ही नहीं है, पहले 6 महीने तो हमें पढ़ना ही नहीं है, पहले 6 महीने तो पूरे कॉलेज को याद रख देना, ठीक है? अभी जितना सैक्रिफाइस कर रहे हो मजा उसमें आएगा, मजा उसमें आएगा। देखिए आइए इधर ध्यान दे, अरे छोड़ इधर ध्यान। अब तो मैं जैसे क्या होता है ना, सुनिए, अगर किसी को बोलता है, हो सकता है ड्यूरिंग में रिमाइंडर में चिटाक से कर दूं, भटाक से कर दूं। अब जैसे बोले कोई लिक्विड में बॉडी को डुबाया, सर इसका वेट, तो मैं बोलूं अरे लिक्विड में डुबाया, न्यू वेट इज एम जी माइनस बी, न्यू वेट इज एम जी माइनस बी, बोलो ठीक लिखा नहीं लिखा? न्यू वेट इज एम जी माइनस बी, क्योंकि बी लगने से इसका वेट कम हो जाएगा, द न्यू वेट विल बी एम जी माइनस बी।
अब तो इफेक्टिव वेट में ही लिखा करोगे, जैसे तुमने बॉडी को डुबाया, बॉडी का वजन था एयर में, डुबाया, नया वेट एम जी माइनस वी, फोर्सेस दिखाने की बात, जैसे मान लो आगे विस्कोसिटी में काम आएगा, बॉडी सर नीचे जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा पहले तो लिक्विड उठवाया, नया वेट एम जी माइनस वी, ऊपर जा रहा है विस्कस फोर्स ऊपर, और उसके बाद सवाल बनाऊंगा उसके आगे से, बोलो क्लियर हुआ। अब तो लिक्विड में देखा न्यू वेट विल बी एम जी माइनस वी, लेकिन कंडीशन अप्लाइड बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होनी चाहिए तभी लिखना एम जी माइनस वी, वरना यहाँ छोड़ोगे तो ऊपर बच जाएगा, एम जी माइनस वी नहीं लिखते फिर वहां, नहीं आई बात समझ में। यहां सुनो बेटा, बताओ एपरेंट वेट का फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, एक्चुअल वेट ब्रैकेट में वन माइनस रोए अपॉन रो बी, सही है। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं मुंडी, अच्छा देखिए तो एपरेंट वेट डब्ल्यू को डिवाइड में कर दूं चलेगा, वन माइनस रोएल अपॉन रो बी चलेगा, रोएल अपॉन रो बी इधर आएगा बोलो चलेगा, वन माइनस डब्ल्यू एपरेंट अपॉन डब्ल्यू बोलो चलेगा। अगर मैं बोलूं कि ये लिक्विड अगर वाटर है, इधर किधर लिख चुके हो क्या, इधर किधर लिख चुके हो क्या बेटा, देखिए मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर, वन माइनस डब्ल्यू एपरेंट अपॉन डब्ल्यू। अच्छा बेटा अगर मैं बोलूं लिक्विड इफ रोएल इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, यानी ये लिक्विड वाटर है, तो जानते हो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, ये रो डब्ल्यू लिखोगे, ये रो बी लिखोगे, ध्यान देना रो डब्ल्यू अपॉन रो बी, डब्ल्यू का एलसीएम ले लो, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एपरेंट, ठीक है, इसको उल्टा करो रो बी अपॉन, बता क्या रहे हो सर, बताना क्या चाह रहे हो आप, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एपरेंट, रुकना देखो डेंसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या मैंने एक बार रिलेटिव डेंसिटी बोला था, देखिए रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एक्चुअल वेट यानी वेट इन एयर, वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर, डब्ल्यू फिर से वेट इन एयर है, और डब्ल्यू एपरेंट क्या होता है वेट इन वाटर, लिक्विड में जो वेट है तो वेट इन वाटर। देखो ये हमारे पास जो है रिलेटिव डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, एवरीबडी शुड नो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट। अरे तो उस दिन वो पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा था। ये तो मैंने फ्लूइड का एक पोर्शन है। अरे तो वो जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन बोलो ना बेटा दूसरी यूनिट पढ़ानी है मुझे कंप्लीटेड। ध्यान दे रही तो फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया कंप्लीट, और उसके बाद कल करेंगे क्वेश्चंस किसके, ग्रेविटेशन के, और फ्लूइड स्टैटिक्स के भी डाउट लेके आ सकते हैं वो भी करेंगे, ठीक है, ओके थैंक यू।